हेलो हेलो, जी सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये कह रहे अभी सिपाही द्वारा भेजे हैं, 5 मिनट पहुंच जाएंगे वहां पर। ठीक जी, क्या हो गया? है, कार्रवाई करवा। नहीं कोई बात नहीं, मैंने वैसे ही भेजे हैं। कोई बात हो गई? नहीं कोई बात नहीं। आप कहाँ पे इस टाइम पे? क्या यहीं पे हैं क्या? वहाँ गंगा घाट मैं में? अभी तो शुक्लागंज में हूँ। मैं कल सुबह वहां से निकलूंगी, तो मैं 2-3 दिन वहां रुकूंगी। अच्छा, जब आप यहाँ आ जाएं तो मुझे फोन जरूर कर देना, ठीक है, ध्यान से। क्योंकि जी। एक्चुअल में क्या है कि देखो, ऐसा है, मैं बताऊँ आपको। एक पर्सन वे होता है, एक होता है मतलब मेरा जो क्या नाम, जो मेरा मतलब वर्दी पहन का जो मेरी ड्यूटी है उसका वे होता है अलग, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे आ जाए, जब रुकना शुरू करें तो प्लीज मुझे फोन कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई इशू बने, ठीक है, समझ रहे नहीं आप? तो आप 4 बार तो क्या दी, 40 बार ही मुझे फोन करेंगे तो 40 बार मैं भेजूंगा यहाँ से फोर्स, चाहे जो भी हो जाए, ठीक। धन्यवाद। और अच्छी बात ये रही कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जब मैंने फोन लगाया तब आपका फोन लग गया। हाँ, ये नया नंबर है क्या? ये मेरा, समझ लीजिए, पर्सनल मेरा घर का नंबर है, मेरे भैया जी का, उनका नंबर मैं यूज कर रही हूँ इस टाइम पे। अच्छा, जी, जो नंबर पहले था आपका वो क्या, वो क्या था आपका? उसमें वो मेरा नंबर है ही है, तो वो नंबर मेरे पे नेटवर्क मिलते नहीं है, इसलिए बहुत कम नेटवर्क आते हैं, तो मेरे को इन सब चीजों के लिए ये नंबर यूज करना पड़ा। और प्रयास ये करना मैडम कि मतलब, चलिए मैं कल आपसे बात करूंगा सामने फेस टू फेस, इससे कि आपको डायरेक्टली वो वे मिले जो मैं इनको बता चुका हूँ, मंजू वर्मा को, ठीक है। जी लेकिन ये काम नहीं किया उस पर, मुझसे हाँ कह के चलेगा यहाँ पे, लेकिन उसने काम नहीं किया, ठीक कौन सा काम? है। मैंने कहा था SDM साहब से कि जो है कि चले जाओ सीधे यहाँ पे, और कोई सोर्स या कोई लिंक लेके जाओ और किसी वकील को खड़ा करिए, और उसके बाद जो है क्या नाम, तत्काल ही राजस्व निरीक्षक जो कानून को होता है, हमें बताऊंगा, आप कल आइएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक, कैसा सर, होता है। लेकिन सुनो मेरी बात, वहां पे क्यों गए हैं? बात मैं समझी मेरी बात नहीं। सुनिए, मेरी बात सुनिएगा। मैं कल उन्नाव आ रहा हूँ, लेकिन बताते क्या आप उन्नाव मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि कल मैं यहाँ मिलूंगा नहीं चौकी पे, आपको शाम को मिलूंगा 5 बजे के बाद। तो मैं तो वहां पे रहूंगी ना, तो मैं आपको 5 बजे के बाद मिल लूंगी, कोई इशू नहीं उसमें। आप अभी कहाँ दशकलगन में है ना? आप अभी कहाँ दशकलगन में है ना? जी, शुक्लागंज में। तो मैं यहाँ से कल हो सकता है 10:30-11 बजे तक उन्नाव पहुंच जाऊंगा। यदि आप वहां से निकलें तो आप मुझे एक बार फोन कर लीजिए तत्काल, ठीक है। मैं 5-6 बजे के पहले लौट के नहीं आ पाऊंगा यहाँ पे। तो कोई बात नहीं है, बात आप मेरी समझिए। एक चीज बोलनी थी आपसे, ठीक है? बताइए। उनसे जो हमें, देखिए, सब समझ में आता है, हमें सब दिखता है सर, ठीक है? आप कुछ दिखता नहीं कर आपको रहे हैं, है, आप कुछ सुनिए नहीं मेरी कर बात। आप भले नहीं पैसे ले रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पर जो दो आपके यहाँ से कोई कांस्टेबल गए थे, यही दोनों कांस्टेबल उस दिन भी गए थे आपको पहले, ठीक है? नॉट गुड, मेरी बात सुनिए। नॉट गुड? नहीं कांस्टेबल की सर, औकात नहीं, कांस्टेबल की औकात नहीं, मैं मानता हूँ गलती कहाँ है मैं जानता हूँ, ठीक है, आपको पता नहीं अभी। गलती गलती दो कहाँ लोगों है ने मैं कहाँ जानता पे हूँ, करी है, अब दो लोगों ने गलती किसने करी सुनो है मेरी वो बात। मुझे नहीं पता, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी है आज तक। एक्चुअल में भाषा से बोलने वाला व्यक्ति, सुन ली मेरी बात, जो मुंह से बोल दे वो बात अलग है, लेकिन गलती कहाँ हुई है वो मैं बताऊंगा आपको, आप मिले नहीं मुझसे, ठीक है, वही गलती मैं आपको बताने। लेकिन बशर्ते यह है कि आपको, डर रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि आपको बता के फायदा क्या है, फायदा कुछ नहीं, फायदा तो बहुत कुछ होगा, क्या ऐसा नहीं कि फायदा नहीं फायदा है। होगा, क्या फायदा होगा बताइए आप। मैं तो एक ऐसे जो है क्या ना, सब इंस्पेक्टर या चौकी इंचार्ज होकर के आपसे लाइजनिंग के लिए हाथ आगे बढ़ाया हूँ, लेकिन लाइजनिंग तो बहुत दूर की बात है और प्रोसीजर चल गया है यहाँ पे। मुझे पता है फॉल्ट कहाँ पे है, ठीक है, फॉल्ट जहाँ पे है वो आप पहुंच नहीं पा रहे अब तक, ठीक जी है। आपको तो यही नहीं पता कि फॉल्ट है कहाँ पे। मैंने आपसे कहा था ना, मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाऊंगा। तो बताइए, आप हमको ऐसे बताइए, कोई बात है? ठीक नहीं कह पाऊंगा, ऑन फेस आइए सामने। है, मैं सामने आ जाऊंगी, कल मैं आऊंगी दो दो लेकिन सामने सुन भी। लीजिए मेरी बात, ऑन फेस तो आइएगा आप, लेकिन जी प्लीज कृपया करके आप अपने काम पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो मैं बताऊंगा उस पर ध्यान मत देना।
ठीक है, कारण ये नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ। देखिए आप, मेरी बात सुनिएगा, आपने ही कई प्रयास किए होंगे नौकरी पाने के लिए और कई लोगों ने प्रयास किए होंगे नौकरी पाने के लिए, लेकिन नौकरी मिलती नहीं है किसी को। नौकरी जिसको मिलती है बड़ा नसीब वाला होता है, ठीक है, और उसके पेट पर लात मारना मुझे नहीं आता। मैंने यही काम नहीं सीखा है, बाकी मैं सारे काम कर सकता हूँ, आप जो कहें वो कर सकता हूँ, लेकिन किसी के पेट पर लात मारना मुझे नहीं आता। मैं वहां जो है अपनी गर्दन झुका लेता हूँ तत्काल, जहां पर किसी के पेट पर लात घलती हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कि नौकरी कर रहा हो चाहे किसी भी विभाग में क्यों ना हो। और सुन लीजिए मेरी बात को, मैं ये जो नौकरी कर रहा हूँ मेरे बारे में पता कर लीजिए, मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, मेरे पिता का नाम मान सिंह है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ, मैं झांसी का रहने वाला हूँ, सुन लीजिए, और मैं चौथी नौकरी कर रहा हूँ अपनी छोटी सी उम्र में, ये चौथी नौकरी में कर रहा हूँ जी। तीन नौकरियों से रिजाइन देकर के आया हूँ इस नौकरी करने के लिए, बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो गया, लेकिन मेरे नसीब ने शायद, आपको क्या बताऊं मैं, इस वक्त मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ कोई सोच नहीं सकता है। क्या हो गया सर बताइए? बता नहीं पाऊंगा फोन पे मैडम, आप सामने आए तब बताऊंगा आपको, ठीक है। दर्द ये नहीं है कि इस नौकरी को पाना मेरा लक्ष्य नहीं था, PCS IAS में लक्ष्य था, लेकिन 2013 में मैं निकल गया बाहर इंटरव्यू से और मैंने मुझे दरोगा की नौकरी, मैंने समझौता कर लिया कि CO या एडिशनल SP तक बन जाऊंगा, बात बराबर हो जाएगी प्रमोशन पा करके, और मेरा प्रमोशन 2 साल के बाद है मैडम। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जिस ईगो के साथ या जिस मान के साथ मैं नौकरी करता हूँ वो कोई नहीं करता है पूरे 9 जिले के अंदर, ये सब जानते हैं, और मैं किसी की सुनता नहीं मैडम, आप मुझे वहां पता कर लीजिए। जी अच्छी बात है, और आप जान लीजिए कि यहाँ जितना इशू मेरे बारे में बन रहा है खास करके ऊ चौकी पे, शायद कुछ चीजें आपको पता चली होंगी, चाहे शिवम पांडे का मैटर हो, चाहे कौन कौन, अच्छा हाँ रमाकांत पांडे के लड़के, हाँ ठीक सुन लीजिए मेरी बात, चाहे शिवम पांडे का मैटर हो चाहे किसी का मैटर क्यों ना हो, मेरा केवल एक ही उसूल है, मेरे गुरु ने मुझे एक ही चीज सिखाई है, जायज करना है नाजायज नहीं करना, ठीक है। शिवम पांडे तो इन सब मैटरों में भी सर नहीं थे। और सुन लीजिए मेरी बात, आप जायज है नाजायज नहीं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैंने आज तक की लाइफ में 15 दिन के अंदर जितनी बात आपसे की है जी, मात्र 2 बार केवल राजू कटियार से या राजू वर्मा से बात की है जी, सिर्फ 2 बार जी, लेकिन आपसे कम से कम 20 बार बात की है मैंने जी, जानते हैं क्यों जी? क्योंकि मेरी नजर में आप सही है वो गलत है जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है जी सर, समझ रही हूँ, ठीक है जी। तो सर ना बोलिएगा क्योंकि मैं आपसे एक जो है क्या नाम, आप मेरे पास पहली बार मिलने मुझसे आए थे, लेकिन कई लोगों के साथ आए थे, कई लोग बैठे थे वहाँ पे जी। तो मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाया जी, आप मुझसे किसी भी रूप में मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि मैं चाहूंगा कि आप लीगल प्रोसेस को फॉलो करें, ठीक है जी जी, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है जमीन संबंधी विवाद को हैंडल करने का, बात समझिए मेरी बात, सही है जी। मैं आपसे 10 दिन से 15 दिन चिल्ला रहा हूँ कि आप, लेकिन आपको समझ में नहीं आई, मैं मानता हूँ कि आप पहली बार पढ़े हो, मैं समझ नहीं पाया इस चीज को, नहीं तो मैं आपको पहले ही बुला करके ये चीज बता देता कि आप कैसे काम करना है। सर अब आप बताएंगे? मैंने मंजू वर्मा को, नहीं नहीं नहीं, मैंने मंजू वर्मा बताया है सर जी को, खुलकर बताया है उनको एकदम स्पष्ट होकर, हकीकत यह है कि मंजू वर्मा आपको इस्तेमाल कर रही है मैडम, बात मान जाइए आप, ठीक है जी। मैं बताऊँ आपको, सुनो, आपके पिता नहीं है, आपका भाई नहीं है जी, भाई है आपका? नहीं भाई नहीं है मेरा, नहीं है ना, तो एज ए फ्रेंड के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है सुन लीजिए मेरी बात जी।
यदि आप मेरी दोस्ती स्वीकार करते हैं तो स्वीकार कर लीजिए। मैं अजय फ्रेंड के नाम का बता रहा हूँ, आप दूर हट जाइए। जी जी, आपको परेशान न होनी, क्योंकि मैं आपका ऐसा नहीं चाहता हूँ किसी प्रकार में। जी, क्योंकि लड़कियाँ मेरे लिए स्वाभिमान है, जानते हो। क्योंकि हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान जो है ना, केवल मात्र हिंदुस्तान और पाकिस्तान छोड़ करके हैं। जी जी, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये पांच देश ऐसे हैं जहाँ पे पुरुष प्रधानता चलती है। जी, जान रहे हो कि नहीं जानता? जी 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 जी, लेकिन हकीकत यह है कि ये पांच देश जहाँ ऐसे हैं जो कि पुरुष प्रधान देश हैं, केवल केवल, बाकी विश्व की 170 कंट्रियां, 180 कंट्रियां बराबर के देश हैं, जहाँ महिला बराबर है और पुरुष बराबर है। तो हकीकत यह है कि मैं इस चीज का विरोध करता हूँ कि जहाँ पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाए और महिलाओं कम महत्व दिया जाए, ठीक है। मैं बराबर की नजर से देखता हूँ, चाहे आप हो चाहे हम हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में जी अब जाकर कानून छूट मिली है 190 जो की क्या नाम 497 जो खत्म हुई है धारा, जी तब जाके महिला को छूट मिली है, ठीक जी, वरना महिला तो गुलाम थी, जानते हो 497 क्या है? जी समझ रही हूँ। नहीं पता है सर, एक चीज बोलनी थी। बताइए। कल आप हमको वहाँ पे कितने बजे मिल जाएंगे एग्जैक्ट? मैडम मैं मिलूंगा आपको 9 में, ठीक है। 9 में सर, बट बात ये है कि हम अपनी मम्मी के साथ सुबह 8 बजे गांव पे पहुंच जाएंगे, 8:30 गांव, 9 बजे तक। अगर आप 8:30 पहुंच जाएंगे तो मिल जाऊंगा चौकी पे, ठीक है जी। 9 बजे के बाद नहीं मिलूंगा, ठीक है ठीक। और मैं चाहूंगा कि आप मुझसे पर्सनल मुलाकात करें, ठीक है जी, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और आप जो है जिस एनडीटीवी एंकर के लिए जो भी आप इंटरव्यू दिए हैं तो पढ़े लिखे होने के नाते मेरी बात समझेंगे आप जी। और मुझे आपसे काफी उम्मीदें हैं जी। मैडम मैं आपसे चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें जी। और मेरा जो भी प्रपोजल है फ्रेंडशिप का वो आप लेके चलें, कम से कम मुझे कुछ राहत मिलेगी आपसे, ठीक है जी जी। आप एंकर बने और मेरी दोस्ती कायम रहे आपसे। जी जी बिल्कुल ठीक है। मेरी इच्छा है कि आप आगे बढ़े, क्योंकि आप एक गर्ल्स हैं और मैं चाहता हूँ कि लड़की आगे बढ़े हर हाल में। ठीक बिल्कुल सर, ठीक है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं आज से दिन बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आज मैं किसी से बात नहीं करता हूँ जी, ठीक है समझते हैं जी। तो आपको पहली बार जब आप मुझसे मिलने यहाँ आए थे, मैंने तब भी आपसे मैंने कहा था कि आप लीगल वे को इस्तेमाल करिए, अनलीगल वे को नहीं सर, लोग भड़काएंगे आपको। मैं समझ रही हूँ, लीगल वे को मैं नहीं यूज करूंगी, लीगल वे को ही यूज करूंगी। हाँ। तो कल से मैं लीगल वे यूज करती हूँ, ये काम 2-3 दिन के अंदर सर अब मैं निपटवाऊंगी। ना ना ना, दिक्कत है आपके साथ एक और चीज की, बताइए। चलाइएगा आप, बताऊंगा सारी चीजें। नहीं नहीं, दिक्कत आप बताइए तो, दिक्कत क्या है, आप ऐसे बता नहीं सकते क्या? सुन लीजिए मैडम, मेरी मजबूरी है, वर्दी पहना हुआ हूँ, खास कर होगा नहीं बता पाऊंगा, आप आइए पसंद बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इस मामले में सब लोग मिले हुए हैं क्या सर? सुनो मेरी बात, आप जीत हो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, बस इतना जान लीजिए जी सर। क्योंकि अगर मैं आपके साथ ना खड़ा होता तो मैं काम बंद नहीं कराता आपका, ठीक है जी जी। इतना ले, मैंने पहले दिन आपसे कह दिया था, मुझे पता है क्या है। जी सर जी सर, बस सर मत बोलिए मुझे अब, अगर आपने फ्रेंडशिप स्वीकार किया तो मेरा नाम ले सकते हैं, ठीक ठीक ठीक। समझ आ रही कि नहीं? जी जी समझ रही। और एज ए फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज जी, अच्छा ये बताइए कि अध्यात्म आपने कितना पढ़ा है? अध्यात्म मैं नहीं जानती। अपना धर्म कितना मानते हैं आप? मेरा तो धर्म ब्राह्मण है।
अपने ब्राह्मण धर्म ब्राह्मण है, गंदी बात। धर्म हिंदू है हमारा। हाँ ये बात जी। और अपनी जात को मैं बहुत मानती हूँ। जात भाई मैं देखिए, ब्राह्मण मेरी बात सुनिएगा। रुकिए एक मिनट जी, बताइए ये तो कितने तक आप पढ़े हैं बताइए मुझे। सर वेट वेट वेट, मैं आपको कॉल करती हूँ, दो मिनट रुकिए। ठीक है रुकिए, चलिए ठीक।